आज शिवरात्रि का महोत्सव है। शिवरात्रि के लिए भक्तजन सारे इलाके से इकट्ठे, यानी तकरीबन रात 12:30 बजे से शुरू हो गए हैं और कोई 300 मीटर लंबी लाइन लगी हुई है। इनमें पूरी आस्था के साथ आए हुए हैं और हर वर्ष की भांति बिल्कुल विधि विधान से कार्य शुरू हो गया है। अभी पूजा चली है, लाइन चली हुई है। ये मंदिर बहुत ऐतिहासिक है, पांडवों द्वारा निर्मित है। यहाँ पर राजाओं को टाइम से ही पूजा अर्चना और शिवरात्रि का महोत्सव मनाया जाता है और मंदिर की पूजा और 3 बार आरती होती है, सुबह शाम दोपहर को जो भी है उस नीति नियम के मनाई जाती है। मेले या इस शिवरात्रि के उत्सव के साथ साथ हमारे यहाँ शादियाँ विवाह का भी आयोजन होता है। जिनकी शादियाँ वगैरह कभी आपस में ना जुड़ती हो, ना बनती हो, तो उसको आज यहीं शिव जी के मंदिर में ही शादियाँ होती हैं। आज भी बहुत सी शादियाँ हैं सारा ये, और मंदिर में पूरा विधि विधान से सारा कार्य चला हुआ है। कमेटी ने भी पूरा व्यवस्था कर रखी हो ताकि श्रद्धालु जो किसी तरह की कोई मुश्किल ना हो, उनके बैठने का उठने का सारा शौचालय का सारी व्यवस्था कर रखी हुई है। अब विधि विधान से चलो काम, लाइन भक्त अपनी लाइनों से आ रहे हैं, बड़े बिल्कुल नित नियम से काम हो रहा है, अभी पूजा हो रही है। सर बताया जाता है कि एक रात में पांडवों को जब वनवास हुआ था तो अज्ञातवास के दौरान वो यहाँ ठहरे थे, तो उन्होंने पूरी रात में ही पूरा निर्मित किया था। पूरा मंदिर एक पत्थरों से लाकर उन्होंने बनाया, साथ में कुआं था ऐतिहासिक, और उन्होंने रात को लगा कर फिर सुबह यहाँ से चले गए थे। तब से ही आस्था है, इसमें पूजा पाठ किया जाता है, राजाओं के टाइम से चला हुआ है।